हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, जो हमारे ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे फ्रेंड। तो प्लीज फ्रेंड मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो फ्रेंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। चलो आइए फ्रेंड्स, तो हम अपने क्वेश्चन को कवर करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को हाल ही में किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी मिली? क्या सही आंसर है ऑप्शन ए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? क्या सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में कितने उच्च शिक्षक संस्थानों को स्वायत्तता दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में टीबी के मामले में रिपोर्ट नहीं करने पर डॉक्टर को कितने साल तक की सजा देने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास वरुण 2018 शुरू किया? इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कौन व्यक्ति हाल ही में स्मार्टफोन कंपनी वियो के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन डी आमिर खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कौन व्यक्ति हाल ही में सोनी इंडिया के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुनील नेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में कौन सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द सीरीज खिताब जीतने वाले क्रिकेटर बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वासीकटन सुंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में 3 दिवसीय वार्षिक कृषि उन्नति मेला शुरू हुआ, जो पहली बार शुरू होगा मतलब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में कौन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की पहली मुख्य प्रमुख चुनी गई? यह सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए जीना हास्पेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के नए विदेश मंत्री नियुक्त किए गए? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी माइक पोपियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना? फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड।
हाल ही में पीएम मोदी ने टीबी मुक्त शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में पीएम मोदी ने टीबी मुक्त शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य है, सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, 2025 तक देश से टीबी रोग समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कौन व्यक्ति हाल ही में आईकीडिया के नए सीईओ नियुक्त किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटर बेथलेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किस देश की संसद ने हाल ही में राष्ट्रपति पद की समय सीमा समाप्त कर दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर में हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए सीटीओ नियुक्त किए गए? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चियों से रेप करने पर फांसी की सजा देने का निर्णय लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। हाल ही में कौन टैक्सी सेवा प्रधान कंपनी उबर के भारत में नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड। अगर आपको फ्रेंड मेरा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।